चलिए आज जेके मीडिया आपको ले आया है जम्मू की ओल्ड सिटी पक्काडंगा में। अब पक्काडंगा में आज का आपको लाने का मेन कारण क्या है, अब आप वो जानिए। मेन कारण है पक्काडंगा में आपको लाने का कि आज हम आपको काफ़ी दिन हो गए हैं कुछ गर्मा गर्म खिलाते हैं और जम्मू की कुछ ना कुछ जो हम स्पेशलिटी या फिर हम कहें कि डोगरा डिश की बात करते हैं, काफ़ी पुरानी चीज़ें ऐसी ऐसी आपको जम्मू के ओल्ड सिटी में मिलेंगी जो हम आपको काफ़ी बार दिखा चुके हैं। तो चलिए आज आपको जम्मू के पक्काडंगा इलाके में एक ऐसी दुकान पे लिए चलते हैं जो 100 साल पुरानी दुकान है। अब आप जान के काफ़ी सोच रहे होंगे कि यार पक्काडंगा इलाके में हम काफ़ी बार आए हैं लेकिन ये 100 साल पुरानी दुकान कौन सी है जो आज हम आपको जेके मीडिया पर दिखाएंगे। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करवाएंगे और आपको पक्काडंगा में दिखाएंगे 100 साल पुरानी दुकान। पहले ये जम्मू का पक्काडंगा इलाका जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, जम्मू की ओल्ड सिटी में सबसे फेमस इलाका भी कहा जाता है पक्काडंगा इलाका। और महालक्ष्मी माता जी का मंदिर यहाँ पर बिल्कुल करीब, जो आपके कैमरा विजुअल्स में अभी आपको दिख रहा है, महा माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो माँ लक्ष्मी माता जी की मूर्ति है वो रथ के ऊपर जम्मू में लाई गई थी, जो कि जयपुर स्टेट से लाई गई थी। जयपुर से जब रथ पे महालक्ष्मी माता जी की यहाँ पर मूर्ति लाई गई थी, उसको 4-5 महीने लग गए थे, जो कि एक पौराणिक गाथा जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ। चलिए अब आपको लिए चलते हैं, ज़्यादा आपको नहीं वेट करवाएंगे। ये जो आप सामने एक दुकान देख रहे हैं ये है 100 साल पुरानी ऐसी दुकान जहाँ पर पिछले 100 साल से दाल परोसी जा रही है। और दाल की बात करें तो माँ चने की दाल सुबह परोसी जाती है और एक और दाल है जो कि शाम को भी परोसी जाती है। अगर बात की जाए मूंग साबत की दाल, खास करके शाम को यहाँ पर लोग खाने आते हैं और यहाँ पर काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो लोग काफ़ी देर से भी यहाँ पर खा रहे हैं। चलिए पहले आपको हम इस ढाबे में लेके जाने से पहले जो है आपको पहले मिलवाते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी कहाँ से आप आते हैं? कटरा से आए हैं और 15 साल हो गए हमें इनके पास खाते हुए जी, और अच्छा लगता है। तो क्या स्पेशलिटी है यहाँ की और क्या खाते हैं आप? अच्छी रोटी लगती है, दाल वगैरह इनकी अच्छी लगती है, इसलिए हम पूरे जम्मू को छोड़कर इधर ही खाने के लिए स्पेशल आते हैं जी। मुझे ये बताइए कि आप जब से यहाँ पर आ रहे हैं क्या कुछ आपको लगा कि क्वालिटी में कुछ डिफरेंस या फिर किस तरह का खाना यहाँ? नहीं, बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी है जैसा पहले खाते थे हम, ऐसी ही मिलती है जब भी आते हैं, हर बार वैसी मिलती है, कोई चेंजेज नहीं। बड़ा आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संदीप कुमार। संदीप जी आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरे को सर कम से कम हो गए 20-22 साल हो गए जी जहाँ पे। तो क्या स्पेशल यहाँ खाने आते हैं? स्पेशल मेरे को सर जहाँ पे जैसे चुल्ली का फुलका बोलते हैं, हाँ ये तो आजकल के लोगों को पता नहीं होगा चुल्ली का। वो अभी मैंने इनको बताना था, अब आप बताइए। चुल्ली का फुलका होता है जैसे अब पुराना टाइम ज्यादा था, डोगरी बोल रहे हैं जी, सही पुराना टाइम ज्यादा होता है, आपने नहल जाते अपने या दाद के जाते चुल्ल होती ही, चुल्ली का फुलका दें दादी या नानी पकाई दी ही। तो अजकल लोगों के पता ही नहीं चुल्ल होती की है, बिल्कुल पता नहीं होना लोगों के। पता तंदूरी फुलका, तवे का फुलका, मेन चीज़ है चुल्ली का फुलका। चुल्ली का फुलका ते देसी राजमा अपने एक खाने में आता, 20-22 साल हुई इतने आते जो मैं आना रुट्टी इतने खाना। ऐसा क्या प्यार है इन नाल कि भाई तुम इतने खिंचे आते हो? मैं कि मेन चीज़ है चुल्ली का फुलका थोड़ा कुदा नहीं, शहर लगता नहीं अजकल, तो ना अजकल दादके नानके इतने कि ठीक होता है, बीमारियां वगैरह तो नहीं लगदियां ना? बीमारियां बिल्कुल नहीं लगदियां, ना गैस गूस नहीं होती। चुल्ली का फुलका होता वो गैस बनती, फुलका खाने के गैस बनना, गैस भी बननी हो रही होना। रानी पार्क कोल मां लक्ष्मी मंदिर पक्काडंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हुण तुहानू दसने आ चुल्ली दा फुलका बंदा कित्थे है जी। ए दी तुहाडे सामने पूरा चुल्ल लगी दी इत्थे, ते अज दे टाइम च अगर खास करके गल कीती जाए ते चुल्ल तुहानू नहीं लभे किते वी, स्पैशल इत्थे तड़का लाया जाता है और जिंदा है ढाबा है, उनके नाल भी असी गल करके मोहन लाल उनके कन्ने, हालांकि उनके फादर साहब ने काम शुरू किया सीगा ते काफ़ी देर का मोहन लाल उनके ढाबे के नाते ये जरा ढाबा इतने मशहूर है पक्काडंगा। और उन्हें स्पेशल मोहन लाल जी पहले तो सलाओ हाँ जरा दाल चावल तड़का, तो फिर अस तुहाडे नाल गल करके
देखो स्पेशल उन्हें दाल नू तड़का लगेगा ये जम्मू का स्पेशल खाना है जी और बड़ा के मज़ा आता इतने चुल्ली के फुलके बने करते हैं जिस तरह एक सर नाल उन्हें गलबात करे करते सी ते उन्होंने भी गलाया कि ये जड़ी चीज़ है ये आज काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है पहले अपने ग्रां पिंडां च लोग जाते थे उत्थे चुल्ली दी रोटी मिलती ही ते अज वो चीज़ बड़ी मिसिंग है ते इत्थे खास करके दाल मां चने की दाल जड़ी है सवेरे परोसी जाती है ते उहदे बाद गल कीती जाए मूंग साबत की दाल मूंग साबत की दाल जड़ी है खास लोग इत्थे शामी आते हैं खान ते बड़ा ही टेस्टी खाना इत्थे दा और चलो अज वक्त मिले अज मैं भी आऊँगा मैं भी थोड़ा जहा टेस्ट करके इत्थे दाल दा वैसे मैं बड़ी बारी खाधी दी है लेकिन बड़ी स्पेशल इत्थे दी रोटी है जो इत्थे खास करके परोसी जाती है और क्यों ना हो पिछले 100 साल तो मोहन लाल जी इत्थे के काम करा दे ते अपना लोगों को सेवा दे करते जम्मू का पुराना शहर क्या जाने वाला पक्का डंगा इलाका मोहन लाल जी थोड़े नाल थोड़ी गलबात भी करनी है ते थोड़े नाल गलबात करके ते थोड़ा जिहा दसगे कि लोगों को कि देर का यह काम शाम करे करते हो तो अपने मुड़े छुड़े बनाते हैं थोड़े फुलके शुलके तो तुम आओ जरा एक मिनट तो मोहन लाल जी हूँ तुम दसो पुराना किन्ना काम करे करते हो कौन कौन थोड़े को इतने आते हैं खास रोटी शोटी खाने तो ग्राहक थोड़े कितों कितों आते हैं 55 साल हो गया मैं कम करते अच्छा 55 साल हो गया मैं छोटा जी मैं छोटे से बचपन से इतने काम करके मैं हाँ काफ़ी दूर आते हैं लोग इतना रुटी खाने बहर से भी आते हैं यात्री भी आते हैं हाँ जिन्हें पता इतना चुल्हे फुलका मिलता यही सारी यही मशहूर है चुल्हे फुलके की कितना लोग पसंद करते हैं चुल्ही का फुलका जड़ा है पुराने करते हैं अजकल करते पसंद हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जिम्मे जी पता भी चुल्ही फुलका जम्मू के बहरों भी आते लोग मैं गल करे करता कटरे का बंदा आया था हाँ जी हाँ जी बहर से भी आते जी बाहर से भी आते यात्री भी आते बाहर से भी आते तुम ऐसा क्यों मिलाते हो कि लोग जो एक बार दाल खा के जाता है वापस फिर मतलब परती आ जाता है चुल्ही का कमाल ही है सारा चुल्ही का ही है लकड़ पई है बंदा नहीं 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 एक चीज तुझे दसी नहीं है प्यार मिलाते हो हाँ जी हाँ जी और के आखना चाहोगे जेडे मतलब काफी पुराना अजकल तो लोग फास्ट फूड खाते हैं जी मोमो शोमो अजकल ये चीजा तो पुरानी बंद हो करते हैं क्या अपना पुराना पुराना खाना बंद हो करता है हाँ आस आस बंद ही हो करता है जगह भी लकड़ काली शाले हो जाती है माए सारे कराने पौती है हाँ जगह लोग देखिए नहीं पाते हैं ज्यादा नहीं हाँ जी लोगों को चाहिए वो जी ए सी लगे तो आए जी उठा बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ जी लेकिन पुराने खाने का तो मज़ा ही अपना है हाँ जी हाँ जी चलिए जी मोहन लाल जी हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे अब बात करते हैं ये पुराने खाने की अगर बात करें एक और हमारे पास आए हैं अभी फिलहाल मैं देख के आया चलिए कोई बात नहीं आप वीडियो देख के आए हैं क्या नाम है आपका मेरा चरणजीत ठाकुर सर चरणजीत क्या कहना चाहेंगे जो ये पुराना खाना आज कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है लोग जो है आज डोगरी खाने को भूलते जा रहे हैं सही बात है आपकी आजकल बहुत कम मिलता है इस तरह का खाना जो भी है जम्मू में बड़ी ये काफ़ी अच्छी दुकान है जम्मू के पक्के डंगे की रिलेटेड है काफ़ी काम भी जहाँ पे खाना मंगवाते हैं काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे खाना खाने और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन मैं शॉप पे बैठा हुआ था मैंने ऑनलाइन आपका देखा ये सीन आता हुआ तो मैं जहाँ पे दौड़ता हुआ आया मैंने कहा भैया इधर ही है तो सच्ची में भाई खड़ा आपसे मिलने के लिए आया मैं सच्ची में चलिए अब ये बताइए मुझे अब जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं ये खाना खाने के लिए पुराना खाना उनको थोड़ा सा बता दें कि कहाँ पर आना है मैं तो बता ही रहा हूँ आप भी बता दीजिए जी सर जी आप परेड़ आ जाइए परेड़ से अंदर आता है रास्ता आता है मोती बाजार से थोड़ा ऊपर आओगे महालक्ष्मी मंदिर पकड़ंगा जो मशहूर है प्राचीन मंदिर है यहाँ का उधर उसके पास ही है बिल्कुल उधर ही पास ही है बिल्कुल काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज भी है और खाना बहुत टेस्टी है मेन बात यह है कि जहाँ पे जो खाना मिलता है वो चूल्हे का खाना है रोटी इस तरह की नहीं मिलती है जो भी रोटी आजकल मिलेगी वो तंदूरी रोटी मिलेगी तंदूरी रोटी से हमारा डाइजेस्ट ठीक नहीं रहता है ये बहुत बढ़िया रोटी है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया तो अब बिल्कुल आखिर में एक बार फिर से मैं आपको ये जो चुल्ली का खाना है जो स्पेशली लोग यहाँ पर आते हैं खाने के लिए खास करके बात की जाए तो जम्मू में आज पुराना डोगरी खाना आज काफ़ी जगह पर वो मिसिंग मिलता है लेकिन अगर आप लोग भी
इस स्पेशल खाने को पसंद करते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। आपको यहाँ आने के लिए सीधे पक्केडंगा इलाके में आना है, पक्केडंगा एरिया, जम्मू की ओल्ड सिटी, महालक्ष्मी माता जी का पुरानिक मंदिर है बस उसके बिल्कुल सामने ही। वहाँ पर आप किसी को भी पूछ सकते हैं, मोहन जी का जो पुराना ढाबा है। एक बार फिर से अभी जो है हम आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से ये दाल का, मतलब यहाँ की जो दाल है बड़ी ही टेस्टी है, जो बार बार यहाँ पर जो लोग आते हैं स्पेशली खाने के लिए, और ख़ास करके बात की जाए आए भी क्यों ना, क्योंकि आज जम्मू का पुराना खाना कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जम्मू के अंदर जहाँ पर फास्ट फूड, आपको मोमोज, स्प्रिंग रोल्स खाने को मिलेंगे जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर आपको जो है ये खाना मिलेगा खाने को, जहाँ पर जम्मू का आज भी पुराना वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, खाने को मिलेगी। आप लोग आइए, ज़रूर इसको इन्जॉय कीजिए, ताकि जम्मू का जो हमारा ओल्ड सिटी है और जम्मू की जो हमारा पुराना डोगरी खाना है वो आपको जो है जब भी खाने का मौका मिले, खास करके चुल्ली के फुलके, लोग अपने दाद के नान के गाँव वगैरह में स्पेशली जाते थे ये चुल्ली का खाना खाने के लिए, ये वो पुराना टेस्ट जो है आज भी जाते हैं कई जगह पर है जहाँ पर ये आपको खाने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम हर जगह पर फास्ट फूड पे जो हैं कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि खास करके बात करें आज भी मिसिंग है वो चीज़। चलिए अब आप लोग भी अगर ये स्पेशल दाल खाना चाहते हैं तो इस स्पेशल दाल को खाने के लिए आप आ सकते हैं जम्मू के पक्काडंगा इलाके में। और जम्मू का जो पक्काडंगा इलाका है, जो लोग अभी भी नहीं पता कर पाए कि ये दुकान कहाँ पर है, तो जम्मू के पक्काडंगा इलाका बिल्कुल महालक्ष्मी माता जी का जो मंदिर है, काफ़ी फेमस, काफ़ी पौराणिक मंदिर है, ठीक उसके सामने मोहन लाल जी का ढाबा, जहां पर आपको 100 साल पुरानी दाल खाने को मिलेगी। तो अगर आप भी खाना चाहते हैं 100 साल पुरानी दाल तो आ सकते हैं यहां पर। हाँ, एक बात और है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड्स की तरह यहाँ पर आपको AC वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर जम्मू का ट्रेडिशनल डोगरी फूड अगर आपको खाना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसी तरह से देखते रहें JK मीडिया, और मैं जानता हूँ अब आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, तो अगर ज़्यादा पानी आ रहा है तो जल्दी से अपनी बाइक तैयार कीजिए, हेलमेट ज़रूर डालिएगा, बाइक तैयार कीजिए और आ जाइए यहाँ पर दाल खाने। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक सल्होत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए।